वो तो ये हुआ, कई लोग आंख दिखा के पा गए और कई लोग आंख दिखा के आंखें बहा गए। ये रहा रामविलास शर्मा जी का, देख लो उन्होंने भी आंख दिखाई थी, बिल्कुल नॉमिनेशन किया था। नॉमिनेशन की बात आते ही FIR की सूचना आ गई थी, FIR भी होनी है। उनका सेक्रेटरी टाइट कर दी है, उनकी चूड़ी टाइट कर दी, कहते हैं चूड़ी टाइट करना है। कांटा जो था ना, हाँ, कांग्रेस के अंदर कुमारी सैलजा ने कई लोगों के नाम घोषित किए थे, खासकर नारनौंद में घोषित करके आई थी डॉक्टर अजय चौधरी का। अपने भतीजे के लिए उकलाना में टिकट चाह रही थी, ना नारनौंद मिली ना उकलाना मिली, और कई सारी बातें थी। क्या लगता है कुमारी सैलजा बैकफुट पे थी कांग्रेस के अंदर? देखिए, कुमारी सैलजा ने उकलाना के लिए पहले अपना नाम चलाया, एक प्रेशर पॉलिटिक्स में कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा था कुमारी सैलजा की भी चली, लोग बता रहे थे कि इस्तीफा देने पहुंच गई थी वो सोनिया जी। तो अंदर की बातें हैं, इस्तीफा तो उन्होंने ये भी कहा कि सैलजा और इस्तीफा, आपने क्या सवाल किया? दूसरे नेता कांग्रेस के अंदर रणदीप सुरजेवाला, मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला को भी केवल उनके बेटे को टिकट तक सीमित कर दिया, इसके अलावा उनकी और उनकी भी कहीं कोई। बीजेपी में क्या लगता है किन नेताओं को ज़्यादा वेटेज मिला इस चुनाव में? 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है सीधा सीधा मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस का, या इसके अंदर कोई ट्रेंगुलर फाइट भी कहीं हो सकती है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का कार्य पूरा हो गया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर 900 से ज़्यादा कैंडिडेट नामांकन कर चुके हैं। देर शाम होते होते तक ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने नामांकन हुए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों में टिकटों को लेकर बहुत घमासान मचा, और कुछ इसी मुद्दे को लेकर के कि किस में किसकी कितनी चली, कांग्रेस में किसको ज़्यादा वजन मिला, भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता अपने खेमे के लोगों को ज़्यादा टिकट दिलवाने में कामयाब हुआ, इस कुछ मुद्दों पर मैं चर्चा में हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी। नमस्कार। किसी परिचय के मोहताज आप हैं नहीं। देवेंद्र सुरजेवाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। सुरजेवाला जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। टिकटों का आवंटन आखिर पूरा हो गया? जी, आखिर मैं इसलिए कह रहा हूँ जी कि मुझे लगता है कि कई दशकों बाद ऐसा मौका आया जी कि जब नामांकन के अंतिम घंटे तक टिकटें बंटने का काम चलता रहा। हाँ, कांग्रेस की आखिरी टिकट तो आखिरी घंटे में आई, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी की 4 घंटे पहले आई। जी जी, क्यों रहा इन दोनों पार्टियों के अंदर ऐसा, क्या लगता है? देखिए, जब काफ़ी तनातनी हो ना और लोगों में, अब एक बात तो मान के चलेंगे कि राजनीति में लोगों की दिलचस्पी खासकर हरियाणा राज्य में काफ़ी, मतलब सरगर्मियाँ बढ़ी हैं, हरियाणा में दिलचस्पी तो है, चूल्हे पे भी राजनीति होती है। हाँ, बिल्कुल है। तो अब चुनाव लड़ने वाले बहुत हैं और कलह से बचने लड़वाने वाले भी बहुत हैं, लड़वाने वाले बहुत हैं। अब कलह अंतर कलह ना हो और दोनों पार्टियां इस बात से अपना सचेत थी और उन्होंने उसी बात को मद्देनजर लिए, भाई भागम भाग कम हो, बगावती कम होगी। जी हाँ, ये मुख्य तो यही था। और वैसे क्या लगता है फिर इससे कुछ फायदा मिला, कम हुए क्या बगावती या भागम भाग करने वाले? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, मौका कम मिलता है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दोनों पार्टियों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में कम से कम 20-25 जी बागी कैंडिडेट हुए हैं। हाँ है, आज ही देखें तो आज कांग्रेस के देखें, संपत सिंह जी का फार्म गया, इधर फरीदाबाद में ललित नागर का गया, अच्छा रोना धोना खूब हुआ। हाँ, सबने अश्रुधार खूब बहाए, वो तो एक सिंपैथी पाने के, मतदाता भगवान को खुश करने के लिए, बिल्कुल, और अपने आप को बिल्कुल पीड़ित शोषित बिल्कुल दबा कुचला बताने के लिए खूब आंसू बहाए, बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर भी मुझे लगता है आज एक दर्जन से ज्यादा आज ही नामांकन हुए हैं बागियों के। जी सुरजेवाला जी, बिल्कुल, पिछली वाली लिस्ट आई तब भी हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी कहूं तो आज सावित्री जिंदल ने नामांकन किया जी, और कई भारतीय जनता पार्टी के हुए, नगेंद्र भड़ाना हुए, रविंदर सहरावत हथीन में हुए जी, और हथीन के अंदर केहर सिंह रावत हुए, ये तमाम नाम है जी। हाँ जी हाँ, तो बागी और भागने वाले लोग तो कम हुए नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है जो इन पार्टियों की सोच थी जी वो पूरी हो नहीं पाई, आपको क्या लगता है? फिर भी प्रिकॉशन तो बरती गई कि कम मौका मिले उनको, या तो उनको दूसरी पार्टी की कहीं टिकट ना ले लें, और हाँ।
या उनसे कोई हाथ ना मिला ले, मतलब ऐसा भी हुआ कम से कम मौका दिया जाए। ऐसा भी हुआ है कि नरवीर जी कांग्रेस की टिकट में भी वो दिखा रहे थे अपना, और बीजेपी ने देनी पड़ी उनको, लोग कहते हैं जैसे। तो ये वो तो ये हुआ, कई लोग आंख दिखा के पा गए और कई लोग आंख दिखा के नहीं आंखें बहा गए, ये रहा। आश्रु भाई रामविलास शर्मा जी का देख लो, उन्होंने भी आंख दिखाई थी, बिल्कुल नॉमिनेशन किया था, नॉमिनेशन की बात आते ही एफआईआर की सूचना आ गई थी, एफआईआर भी होनी है। हाँ, उनका सिक्रू जरा टाइट हो, टाइट कर दी, उनकी चूड़ी टाइट कर दी, कहते हैं चूड़ी टाइट करना है। वो कांटा जो था ना, हाँ, पंडित जी ने लोगों के बहुत से कांटे निकलते हुए देखे, हाँ। अब उनका खुद का कांटा निकलता हुआ भी लोगों ने देखा। अब जो उपहास लोगों का उड़ाया गया, तो अब वो महेंद्रगढ़ में भी वो बात जरा दोबारा से रिपीट हुई। पर पंडित जी ने तो कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, जितनी भाजपा की उम्र है कह रहे हैं उससे ज़्यादा मेरी उम्र है। तो कल जब वो अपनी वो दिखा रहे थे, अपना रोष प्रकट कर रहे, जब भी तो भाजपा थी, पर्चा भर रहे थे, जो ये पर्चा मतलब क्या लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी काम नहीं आई, उन पर प्रेशर उल्टा बन गया, बिल्कुल बना। और लगता दो ही बातें हैं, जैसा कि एक तो ये है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का भी आया, दूसरा ये था कि भाई कोई आगे नजर नहीं आ रहा होगा कि भाई चुनाव नहीं। राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर दोनों सांसद उनकी जोड़ी पर बैठे हुए थे और उनको समर्थन दे रहे थे, तो कोई वजन तो था, कुछ कारण वजन था, जब भी कुछ फॉर्म भरने की सोची, वरना तो इतनी भी हिम्मत ना जुटा पाते जी। तो उनको लगा कि भाई नहीं कुछ हासिल होगा, हाँ। और हो भी सकता है कि आगे का कोई लालच हो, राज्यपाल का पद है और है पार्टी के अंदर, कई बार इस तरह की भी बातें जो है ना चलती हैं जी। तो हो सकता है कोई बड़ा पद मिलने की लालसा जो है उनके अंदर वो हो सकता। चलिए हम तो उनकी बात बड़ी कह देते हैं कि उनके अंदर जो पार्टी को माता कहते हैं तो मातृ प्रेम जाग गया, हम तो यही कह देंगे। चलिए मातृ प्रेम जाग गया या स्वयं का प्रेम जाग गया या मजबूरी जाग गई। चलिए सूरजेवाला जी, एक बड़ी चर्चाएं हैं जी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी, खासकर भाजपा और कांग्रेस, बाकी तो सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी, किसकी कितनी चली। कांग्रेस के अंदर कुमारी सैलजा ने कई लोगों के नाम घोषित किए थे, खासकर नारनौंद में घोषित करके आई थी डॉक्टर अजय चौधरी का जी, अपने भतीजे के लिए उकलाना में टिकट चाह रही थी जी, ना नारनौंद मिली ना उकलाना मिली, और कई सारी बातें थी। क्या लगता है कुमारी सैलजा बैकफुट पे ही थी कांग्रेस के अंदर की बार? ऐसा है कि पार्टी के अंदर ये कुछ समय बाद ये निर्णय ले लिया जाता है कि भी आगे किसको बागडोर सौंपनी है, और उस बात को मद्देनज़र रखते हुए शायद पार्टी ने यही सोचा, हुड्डा साहब का चूँकि ज़्यादा कुछ बोलबाला है तो शायद हाईकमान ने उन्हीं की तरफ ज़्यादा इशारा उनके मान लिया उनकी बात को। और घोषित तो क्या था, उन्होंने ये कहा था कि हमारे उम्मीदवार होंगे। नहीं सर, इससे तो घोषित क्या, वो कह रही थी कि पिछली बार वाली गलती मत कर देना, हाँ वो तो डॉक्टर नरेंद्र डॉक्टर अजय चौधरी का ध्यान रखना, वो तो हमेशा कहते हैं। देखो वो तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है। सर घोषित कैसे किया जाता है? और नहीं घोषित तो ये पार्टी के हमारे वो उम्मीदवार होंगे उन्होंने, हाँ उम्मीदवार होंगे यही कहा उन्होंने, होंगे का और उसमें हो जाएंगे ये उसमें बड़ा फर्क है, होने जा रहे हैं वो कई बातें हैं ग्रामेटिकली, नहीं उसको किधर ले जाओ। ये तो ये कह सकते हैं कि जब नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, ये तो आज के दिन तो दिखाई दे रहा है। बट फिर भी देखिए कुमारी सैलजा ने उकलाना के लिए पहले अपना नाम चलाया, एक प्रेशर पॉलिटिक्स में कई मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा था जी, कुमारी सैलजा की भी चली, लोग बता रहे थे कि इस्तीफा देने पहुंच गई थी वो सोनिया जी के पास। ये तो अंदर की बातें हैं, इस्तीफा तो उन्होंने ये भी कहा कि सैलजा और इस्तीफा आपने क्या सवाल किया। तो मैं ये तो नहीं मानता कि सैलजा जी की इतनी बड़ी सोच उन्होंने रखी हो, इस तरह का कोई निर्णय वो लेने के लिए पहुंची हो। हाँ ये है कि गिला सिकवा और अपनी शिकायत सिकवा जो है वो सोनिया जी के सामने उन्होंने रखा होगा, गई है तो इसीलिए, और वरना तो क्या। अगर मैं देखूं तो हिसार के जो कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है एक तो वो कुमारी सैलजा को मिल गए शायद, क्योंकि हाँ। बजरंगदास गर्ग पसंद थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, या अशोक बुबानी वाला उसके बाद हो सकता था नाम जी, और राडा पसंद थे कुमारी सैलजा के, पिछली बार भी टिकट दिलवाया जी, या जो सिटिंग एमएलए थे
हाँ, तीन या चार जो सिटिंग एमएलए थे उनके अलावा क्या आपको लगता है कुमारी सैलजा को कुछ मिला? कोई ना, ये आंकलन करना तो बड़ा मुश्किल है। बाकी जो लोगों में चर्चा है वो तो यही कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब के खेमे के ज़्यादा हैं, और उनका तो जैसा आपने दो ही नाम लिए कि नारनौंद और उकलाना, जी दोनों जगह नहीं है तो फिर सबसे महत्वपूर्ण सीटें थी। महत्वपूर्ण क्या, उनके लिए तो बहुत ही नाका सवाल था। भाई देखिए, सांसद हैं वो कुमारी सैलजा, बिल्कुल वरुण मुलाना सांसद हैं, वरुण चौधरी, उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया। हाँ, इधर ये भी सांसद थी, अम्बाला में, सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, कहीं भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कुमारी सैलजा की निजी कोई टिकट हो। निजी कोई, जैसे आपने ठीक कहा, अब जयप्रकाश के बेटे को है। मैं आता हूँ उस पर, अभी आता हूँ। नहीं नहीं, आप सांसद का बोला मैंने, जयप्रकाश के बेटे को भी मिला कि भाई सांसद वरुण मुलाना की पत्नी को मिला, पत्नी को मिला, रणदीप सुरजेवाला जी। चलिए सुरजेवाला जी, मैं आगे आता हूँ आपके साथ दोबारा, उस पर आऊँगा। तो सैलजा जी का कोई निजी आपने निजी ना नहीं मिला, वो ऐसा कोई नहीं है, नज़र नहीं आता। क्या लगता है इसका कोई इम्पैक्ट कैसा जा सकता है? इम्पैक्ट तो यही है कि मैंने बताया ना कि कांग्रेस हाईकमान ने यही सोचा हो कि भाई हमने जो लीडरशिप है वो एक तरफ इशारा करती है कि कल कोई कलेश ना पैदा हो, कलेश ना हो। मतलब घोषित मान लें कि अब हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हुड्डा राज कहेंगे या हुड्डा साहब की नेतृत्व में सरकार, वो एक ही बात है, एक ही बात है। आप उसको अगर फिल्मी शब्द में कह रहे तो हुड्डा राज हो गया, हुड्डा सरकार हो गया, और या फिर हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई। बात दोनों का मायने एक ही है, मायने एक है, लेकिन कहने का तरीका यही है, कहती है कि वो हुड्डा साहब के नेतृत्व। चलिए हुड्डा राज नहीं, हुड्डा का नेतृत्व जी, ऐसा लगता आपको भी? हाँ, नजर यही आ रहा आम जनता के अंदर, यही एक तो हो गए संदेश कुमारी सैलजा जी। दूसरे नेता कांग्रेस के अंदर रणदीप सुरजेवाला जी, मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला को भी केवल उनके बेटे को टिकट तक सीमित कर दिया, इसके अलावा उनकी और उनकी भी कहीं कोई नहीं, उनका ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं था। नहीं, कलायत वो चाहते थे कि चाहते थे और वो कैथल जिले की चाहते थे कि मेरे हिसाब से टिकटें बांटी जाए, कुछ नहीं माना गया उसके अंदर उनका। मैं वही बात घूम के आ जाती है ना कि भाई नेतृत्व को लेकर के शायद ये सोच बनी हो हाईकमान की कि भाई पार्टी में कले ना हो कल को, तो उस बात को समाप्त करने के लिए ये कदम उठाया। नरवाना की सीट उनको, या ये हो सकता है कि नरवाना की सीट रणदीप जी को मिली है, बिल्कुल उनके उससे है। अच्छा, तो नरवाना उनका पुराना हल्का हो गया और कैथल उनका अब कल हल्का हो गया जी, यानी कि दो सीटें आप मानते हैं उनको मिल गई। दो भी है, और पुंडरी की सीट जडोला उनके साथ ही रहे हैं, सुल्तान सिंह जडोला जी, कैडर के आदमी भी थे। हाँ, पुराने आदमी भी रहे, पुराने भी थे, सीपीएस भी रहे हैं, कोई इतना मजबूत मुझे वहाँ पे दिख भी नहीं रहा था कोई और कोई कैंडिडेट उनके। मैंने भी, हमने जो दिया था अनुमानित कैंडिडेट हो सकते हैं, हमने भी कहा था सुल्तान सिंह जडोला सबसे मजबूत कैंडिडेट है जी। श्वेता ढुल थी उनके पक्ष की, उनको टिकट नहीं मिला। श्वेता का एक बयान आपने सुना हो, वो तो कहता से कि भी मैं भी अगर किसी, मेरे पिता एक ऊंचे नेता होते तो आज टिकट मुझे भी मिलता। वो उस बात से आप अंदाजा लगाइए भी वहाँ के टिकट का कटने का क्या कारण है। दूसरी तरफ आपने कहा कि सभी एमपी को एक एक टिकट थमा दी, चाहे उसके पत्नी को चाहे बेटे को, तो उस लिहाज में जयप्रकाश जी भी आ गए और उन्होंने कहा मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, मेरा पैतृक हल्का है, मेरा तो सतपाल ब्रह्मचारी रह गए, वो तो ब्रह्मचारी ही है। हाँ, वो ब्रह्मचारी वो रह गए। कुमारी सैलजा रह गई, वो भी ब्रह्मचारी है, वो भी रह गई। हाँ, उनके भी भतीजे को टिकट भी नहीं दिया। हाँ, उनका पुत्र नहीं है। हाँ, तो अविवाहित है वो भी, और जी वो ब्रह्मचारी है ही है जी। हाँ जी, और जो बाकी जो सांसद हैं कांग्रेस के, दीपेंद्र हुड्डा के पिता सब कुछ है, उनको उनके पिता को मिल गया, सर्वे सर्वा इस समय जी, बांटने वो तो बांटनिया है, जो बांटनिया कुछ हो, लेकिन है तो उनके घर में है, उनके घर में सांसद के पिता को, पुत्र को, पत्नी को, उनको किसी न किसी को है। तो बाकी एडजस्ट सांसद सारे हो गए जी, सिर्फ यही दो रह गए जी। दोनों का आपने बता दिया, दोनों का मैंने बता ही दिया। एक लास्ट सवाल, इस सब का इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है कांग्रेस पर, फिर वही कह रहा हूँ आपसे मैं जी, क्या ये जो टिकट वितरण में असंतोष है अगर जी बागियों को छोड़ दें जी, मैं तो पार्टी के बड़े नेताओं को कह रहा हूँ कि क्या ये उतना चुनाव प्रचार में काम करेंगे अब जी, उतने शिद्दत से प्रचार कर पाएंगे जब इनके कैंडिडेट नहीं होंगे, तो क्या और कैंडिडेटों की वोट मांगेंगे, क्या सब कुछ लगता है आपको? देखिए, ये तो लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस का अगर एकजुटता नहीं हुई
तो कुछ सीटों का नुकसान कर बैठेंगे और निसंदेह इस बात का तो असर तो देखिए पड़ता है, एक से एक मिलकर 11 बनता है और जब सभी मिलकर अगर करें तो ज़्यादा अच्छा वो आता है नतीजा। फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बट इतना नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा उसमें आगे हो। लोगों में एक जो इस वक्त धारणा बन चुकी है वो उसके हिसाब से पार्टी सरकार बनाने की तरफ है, आज लोगों का ये मानना है। चलिए ये तो अगले दिनों में और क्लियर हो जाएगा, आज तो नामांकन भरे गए हैं, अब 15 तक कल स्क्रूटनी होगी, फिर 15 तक विड्रॉ होंगे, 16 तक विड्रॉ होंगे, 16 को ही विड्रॉल है, 16 को सिंबल मिलेंगे, 17 को चुनाव शुरू होगा। अगली चर्चाओं में फिर बात क्या करेंगे, किसकी हवा चल रही है, किसकी हवा निकल रही है, जिसकी चलेगी वो वहां जाएगा, जिसकी निकलेगी वो यहाँ चला जाएगा। ये कांग्रेस की बात थी। जी जी, अब बात करें भारतीय जनता पार्टी की। हाँ जी, बीजेपी में क्या लगता है किन नेताओं को ज्यादा वेटेज मिला? राव इंद्रजीत सिंह बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मनोहर लाल बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, नायब सैनी मुख्यमंत्री भी हैं और सो कॉल्ड सीएम कैंडिडेट भी हैं, कृष्णपाल गुर्जर बड़े नेता हैं, रामविलास शर्मा बड़े नेता हैं, ये सब बड़े नेताओं में आते हैं, ओपी धनखड़ बड़े नेता हो गए। भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या लगता है कौन से नेता को? अब देखिए चर्चा थी कि अब की बार बीजेपी अपने जो उनके सांसद हैं नेता हैं उनके बेटा बेटे बेटियों को टिकट देने में ज़्यादा कोताही नहीं बरतेगी। हाँ, पर कृष्णपाल गुर्जर तो रह गए। हाँ, ये कृष्णपाल जी को नहीं मिला, बाकी राव इंद्रजीत धर्मवीर रह गए, धर्मवीर रह गए, उनको भी नहीं मिला। जी हाँ जी, चलो मनोहर लाल के दत्तक पुत्र धनेश अधलखा को मान लेते हैं। आप कहिए, मान सकते हैं आप कहिए, धनेश अधलखा कृष्णपाल के हनुमान और उनके दत्तक पुत्र। हाँ ठीक है, उनका है और वो तो कहते हैं खुद को मैं दत्तक पुत्र हूँ मनोहर लाल जी का। जी जी जी, और मनोहर लाल चलो उनको आप वो भी ब्रह्मचारी हैं तो उनका उनको भी एक साइड कर देते हैं। बाकी चार जो बचे, जी धर्मवीर को नहीं मिला, नहीं मिला, और कृष्णपाल को नहीं मिला। जी जी जी, केवल और केवल नवीन जिंदल की माँ को नहीं मिला, नवीन जिंदल की माँ को नहीं मिला, मैं बोल रहा हूँ केवल और केवल इनको मिला। जी, प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई राव इंद्रजीत सिंह की। जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स से बड़ा क्लियर कह रहे थे कि अगर मेरी बेटी को टिकट नहीं दिया तो वो कहीं भी चुनाव लड़ेगी, मेरी बेटी को नहीं दिया तो वो किसी पार्टी से आ सकती है। समानांतर उनको नरवीर को खड़ा कर दिया ना, जहाँ राव इंद्रजीत को ये बात उनकी माननी पार्टी ने, लेकिन उनको इक्वल करने के लिए राव नरवीर को उधर राव अभय सिंह को। अगर राव इंद्रजीत सिंह का माने जी तो उनका जो प्रेशर, एक तो उनकी बेटी को टिकट मिल गया जी, ये सत्य होगा कि उनका दबाव मान लिया। हाँ जी, हाँ जी। और उनका दबाव खारिज करने वाली भी चलते हैं। हाँ, और कहाँ का दबाव माना, कहाँ का खारिज किया। रामविलास शर्मा के लिए कल वो बिल्कुल इंद्रजीत सिंह रामविलास शर्मा के घर गए थे जी, और वहां पर वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी शाम तक टिकट आ जाएगी, टिकट शाम गई रात गई अगला दिन भी गया नहीं, और रामविलास जी को अपना पर्चा वर्चा वापस लेना पड़ जाएगा जी। ये हुआ पहला मतलब उनको नो झटका, झटका उनको जितना किया उतना बराबर भी कर दिया ना। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि जहां जहां प्रेशर माना और जहां नहीं माना। राव इंद्रजीत सिंह के, राव इंद्रजीत ने कहा रामविलास के लिए वो बात नहीं बनी, नहीं राव इंद्रजीत अभय सिंह को नहीं रोक पाए, राव अभय सिंह को नहीं, राव इंद्रजीत सिंह नहीं रोक पाए राव नरवीर को। जी हाँ जी हाँ, ये तो बड़े नाम हो गए, उनको जितना दिया उतना उनसे लेने की कोशिश। हाँ, बावल के अंदर अगर वो कहें कि बनवारी लाल कभी राव इंद्रजीत के ही आदमी थे। जी हाँ जी हाँ, अलग हो गए, ठीक है, वो बाद में मनोहर कृपा उनके ऊपर ज्यादा बरसी, इंद्र कृपा कम हो गई उनके ऊपर, और अब वो इंद्र कृपा हो गई डॉक्टर कृष्ण कुमार पे। जी हाँ, तो यहाँ उनका प्रेशर तो मुझे लगता कोई नहीं था, पर उनकी कंसेंट होने की थी। हाँ, राव इंद्रजीत सिंह, हाँ, उनकी कंसेंट से टिकट मिला है। नारनौल का टिकट मिल गया ओम प्रकाश जी को। जी हाँ जी हाँ, कोसली का टिकट मिला उनको, उन्हीं को मिल गया। जी हाँ, उन्हीं के हिसाब से मिला। जी हाँ जी हाँ, और रेवाड़ी का टिकट उनको मिला। जी हाँ जी हाँ, अटेली का टिकट उनको मिला। हाँ, उनकी पुत्री को। पटौदी का टिकट उनको मिला। जी हाँ जी हाँ, मुकेश शर्मा पर भी कंसेंट उनकी थी गुरुग्राम पर। जी, तो यानी कि 6-7 जगह, 3-4 जगह उनका प्रेशर, 6-7 जगह उनकी कंसेंट, लेकिन वो जीएल शर्मा को चाहते थे, वो जीएल शर्मा को 3 झटके नहीं मिल पाए। मुकेश के लिए भी राजी थे वो। मैं आपको जीएल शर्मा का बताऊं सुरजेवाला साहब,
एक दिन जीएल शर्मा जी का मैंने साक्षात्कार किया था। जी हाँ जी, जीएल शर्मा 2014 में जब रामविलास जब राव इंद्रजीत आए थे जी बीजेपी में, जी राव इंद्रजीत के आने के बाद जीएल शर्मा आए थे। हाँ, वो उन्हीं के उस... और नहीं, उनके उसमें नहीं थे। मैंने उनसे पूछा एक बार तो उन्होंने कहा नहीं, राव इंद्रजीत सिंह से अलग अपना एक अलग कद बना लिया था उन्होंने बीजेपी के कैडर के अंदर। अच्छा, वो कभी मनोहर लाल जी के नजदीक थे, फिर वो ओपी धनखड़ के नजदीक हो गए। और जीएल शर्मा के लिए मेन बात यही रही कि उनका खूंटा इंद्रजीत, इंद्रजीत से मनोहर लाल, मनोहर लाल से धनखड़। जी, इसलिए उनकी वो पैरवी कोई हुई नहीं जीएल शर्मा जो सोचते थे जी। तो राव इंद्रजीत वाला आप उनकी तरफ ना मान के चले, चलिए जीएल शर्मा की तरफ नहीं था उनका वो रुझान। और मुकेश शर्मा के लिए भी वो उनकी कंसेंट थी, वो राजी थे जी। कृष्णपाल गुर्जर को क्या मिला? कृष्णपाल गुर्जर की सबसे बड़ी जीत तो होती इनके पुत्र को टिकट, अब नहीं मिली। जो राजनीतिक चर्चाएं थी वो ये थी, कृष्णपाल गुर्जर चाहते थे कि उनके बेटे देवेंद्र को टिकट मिल जाए तिगांव सबसे पहले। सबसे पहले वहाँ नहीं तो फिर थी भड़खल जी, भड़खल भी थी फिर। फिर उसके भड़खल की बात चली जी, और उसके बाद एनआईटी पे भी वो NIT। आपकी बात रोकूं मैं जी, जब ये टिकट वितरण का काम शुरू हुआ था तो उससे 3-4 दिन पहले की बात थी जी। मेरे एक अच्छे परिचित हैं, वो आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी से मिले थे जी। हाँ, तो उन्होंने बातों बातों में उनसे कह दिया कि कृष्णपाल गुर्जर के बेटे का तो टिकट पक्का है, तो उन्होंने कहा क्यों? जो आरएसएस के पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी थे और ये सारा उनके देखरेख में भी काम चल रहा था। हाँ, जब उन्होंने सीधे कहा क्यों क्यों, उन्होंने कहा कि केवल रामविंदरजीत सिंह के प्रेशर के अलावा और किसी का नहीं है जी। और वही दिखा, ये तो पहले भी हुआ है 2014 में जब ये था पार्टी की ये फैसला था किसी को पुत्र को भाई को बहन को वो नहीं करेंगे। और उस वक्त सुषमा स्वराज ने अपनी बहन को सफेदों से टिकट दिलवाया था, राजनाथ जी ने अपने बेटे को गाजियाबाद से टिकट दिलवाया था। इसका मतलब ये मान लें कि जो गाय ऐसा नहीं अच्छा दूध देती हो ऐसा नहीं, उसकी लात भी खा लेंगे। हाँ, नहीं, लात के साथ मतलब जहाँ कोई समझौता करना पड़ जाए तो भाई उम्र की बात आ गई मार्गदर्शन मंडल की, तो उसमें भी ये आप नहीं कह सकते कि भाई 75 साल की उम्र के बाद टिकट नहीं दिया। दादा गौतम को दे दिया 78 साल के, गौतम को दिया, उससे पहले वो श्रीधरन जो केरल मेट्रो के थे वो तो 85 साल से ऊपर थे। हाँ, यूपी में कई टिकट को दिया, उत्तर प्रदेश में भी दिया। ऐसा नहीं है कि भाई उस बात पे बिल्कुल स्टीक ये फैसला हो, मतलब कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है कि ये हो गई। खैर, अब जो बात जो आ रही थी जी, बीजेपी के जो सांसद अब धर्मवीर के सामने खड़ा कर दिया ला करके श्रुति और किरण को जी, अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे, क्या लगता है वहाँ पर कोई विरोध होगा? अब धर्मवीर दिल से तो वो मदद नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता। एक एक राजनीति के अंदर एक शब्द आता है जी, वो शब्द आता है कांच काटने का जी, तो कांच काटने वाली बात तो धर्मवीर नहीं करेंगे। नहीं, ये तो भद्दा शब्द है, मैं इस बात की तो तायद नहीं करूँगा और ये इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, इतना है कि वो शायद अच्छा इसको छोड़ दें, वो खुश नहीं होंगे, इसको छोड़ देते हैं, वो मन में खुश नहीं होंगे कि भाई वो किसी और की मदद करके उसको आगे लाए। मरोड़ निकालने का कह देते हैं, एक शब्द होता है मरोड़ निकालना, मरोड़ भी नहीं यहाँ लागू होगी। यहाँ तो ये होगा कि वो उनको आगे बढ़ते वो देख नहीं पाएंगे और उनको मदद नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि वो ना आगे बढ़े, यही कह सकते हैं। मरोड़ तो जब निकालनी हो ना, जब कोई बंदा उन्हीं का हो और वो आगे बढ़े, मनोहर लाल जी मरोड़ निकाल रहे हैं, उन्होंने निकाल दी रामविलास जी की, वो कह सकते हैं हम। वो तो ये है कि भी अपने विरोधी को कोई आगे नहीं देखना चाहता। तो भारतीय ये तो यहाँ पे लागू होता है हमारे फरीदाबाद में, अब लोगों में यही है चर्चा कि तिगांव में क्या होता है देखते हैं, ओल्ड फरीदाबाद में क्या होता है कि हमारे सांसद उनकी मदद कितनी कर पाते हैं या करते हैं। नहीं, वो तो बड़ा खुला खुला कह के आ रहे हैं, तो नहीं है, लेकिन ये है कि भी वो उनको नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। जी, अंतिम सवाल पे आते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कांग्रेस के अंदर जब बड़े नेताओं को वजन कम मिला जी, तो कितना असर रहेगा भारतीय जनता पार्टी में, भी कितना असर पड़ सकता है इसका, जो प्रभावशाली नेता हैं अगर इनको दरकिनार किया गया कहीं, या फिर अगर इनकी कहीं रसवाई रहेगी तो? देखिए, असर तो पड़ता है पार्टी का, चाहे वो बड़े नेता का बड़ा थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, छोटा हो तो उसका भी असर तो पड़ता ही है डेफिनेटली। बट
फिर भी लोगों का जो एक अपना मन जैसे लोगों में चल रहा है, लोगों ने जो फैसला लिया हुआ है, कुछ इस बार ये चर्चा है कि वे पार्टियां कम लड़ रही हैं, लोग लड़ रहे हैं चुनाव। ये सुनने को पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी यही आ रहा था। हाँ, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता चुनाव तो सर हमेशा जनता लड़ती है। नहीं, हमेशा तो आप 2014 में देखें तो जनता ने चुनाव लड़ा। हाँ, 2014 में था। जब जब भी बदलाव आता है वो चुनाव जनता का होता है हमेशा। ये बात ठीक है। अब जनता जब चुनाव लड़ने वाली बात, या तो हमने 1977 में देखी थी जनता पार्टी के समय में जब जनता ने चुनाव लड़ा, या इस बार कुछ ज्यादा ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है? आप 77 का तो मुझे ध्यान नहीं है। नहीं, मैंने जो चुनाव देखे 2004 का चुनाव जनता ने लड़ा। चार एंटी इनकम्बेंसी सर इतनी जबरदस्ती बीजेपी के लिए कि कांग्रेस के लोगों ने वोट मांगा या नहीं मांगा 9 सीट मिल गई थी लोकसभा की हरियाणा में, विधानसभा में 65। बात सुनिए, 2004 में जो लोकसभा का चुनाव था वो जनता ने ऐसा चुनाव नहीं लड़ा जैसे कि अब है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अच्छी भली चल रही थी, उसके बावजूद भी लोगों में बड़ा विरोध था सर। नहीं, और वो सरकार को आप देखो, मैं जनता का चुनाव तब मानता हूँ जब 2004 के आप टीवी चैनल के सर्वे थे। नहीं, परिणाम उसके बड़े वो आए जो आप कह रहे हैं। हाँ? तो वही कह रहा हूँ, जनता का चुनाव तभी हुआ जब उन्होंने सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए तो चुनाव जनता का बन जाता है। ये कह रहा हूँ कि भाई उस वक्त अटल बिहारी जी की जो सरकार चल रही थी उसका इतना विरोध नहीं था, और बट कुछ जैसे नारे 2-3 लगे साइन इंडिया और उन बातों से कुछ। और दूसरी तरफ जो यूपीए का ध्रुवीकरण हुआ उस वक्त, कोलिशन जो बना वो भी उनको सरकार को बाहर करने में सफल हुआ। चलिए बहस को संक्षिप्त लाते हैं, डिबेट इस बात को हम जी। इस चुनाव में 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है सीधा सीधा मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस का, या इसके अंदर कोई ट्रेंगुलर फाइट भी कहीं हो सकती है? जो विधानसभा बनकर के आएगी जी, अभी लंबे टाइम है और रोज बात किया करेंगे, वो हंग हो सकती है या किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी? तो अगर इसको सम अप करें तो मुकाबला तो सीधा सीधा है। हाँ, ये है कि जैसे कि कांग्रेस से या भाजपा से जो रुष्ट होकर जा रहे हैं वो, उनकी इस वक्त प्राथमिकता हरियाणा में जो है ना, इनेलो और जो बीएसपी का गठबंधन है। अब तो 3 पार्टी मिल गई, हेलो अगले एक वीडियो बनाऊंगा आपके साथ, अभी चर्चा करूंगा, तो उसकी तरफ रुझान है, वो प्राथमिकता है, वो चॉइस है जी। लोग मतलब वो टिकट नहीं मिली तो ये ले लो, ये ले लो। तो जहाँ तक है मुकाबला तो सीधा है। कुछ सीटों पर नो डाउट ये जो गठबंधन है ये जरूर फाइट में है, और एक दो कुछ पर निर्दलीय अगर फाइट कर लेंगे। हाँ, निर्दलीय होता ही है, हिसार के बारे में सुनते हैं जैसे कि निर्दलीय और कांग्रेस का ही शायद रहेगा मुकाबला, बीजेपी आउट हो जाए। निर्दलीय या बीजेपी? निर्दलीय और कांग्रेस का मुकाबला हो, ये सुन रहे हैं लोग। और कुछ जगह मैंने कहा ना कि ये फाइट में होंगे, इन एलो का जो ये आ रहा है, चाहे वो सीमित हो 5 हो 7 हो सीटों पे, ये फाइट में है। तो मान के चलें कि मुकाबला आमने सामने का बीजेपी कांग्रेस के अंदर मुकाबला होगा। बाकी ठीक है, कुछ सीटों पे 5-7 सीटों पे अगर कैसे परिणाम होंगे अभी समय और बताएगा, इसके अंदर जब तक चुनाव चलेगा तो डिसाइड होगा जी। तो ये थे देवेंद्र सुरजेवाला जी, जो बताया कि कांग्रेस के अंदर कुमारी सैलजा हों चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, इन दोनों नेताओं को, बड़े नेताओं को वो तवज्जो नहीं मिली टिकट के अंदर जितनी उनको उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी भी बता रहे हैं कि कई बड़े नेताओं को जिन पर उम्मीद थी कि उनके परिवारजनों को, उनके स्वजनों को, निजी लोगों को या टिकटों में उनकी पसंद को वरीयता मिलेगी, वो भी उस लिहाज से नहीं हुआ। सुरजेवाला जी ने बताया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने का मुकाबला है और कहीं कहीं इंडियन नेशनल लोकदल इसे तिकोना कर सकता है। आप इन सब बातों से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।